2002 से 2013 तक हमारे प्रधानमंत्री उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को, क्योंकि हमारे संविधान में कानून और व्यवस्था राज्यों की जिम्मेदारी है, उन्होंने कानून और व्यवस्था के विषय को एक होलिस्टिक अप्रोच से नए सिरे से देखने की शुरुआत की। मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने सबसे पहला काम किया समग्र पुलिस बल के आधुनिकीकरण का। उनके नेतृत्व में गुजरात के 100% थानों का कंप्यूटराइजेशन करने वाला गुजरात सबसे पहला राज्य बना और थानों को कंप्यूटराइज करने का काम। उसके बाद में थानों को कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम किया और तुरंत ही उसके बाद उन्होंने एक प्रोफेशनल कंपनी हायर कर इसके लिए एक अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाया। मैं बिल्कुल गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि वो सॉफ्टवेयर में आज भी कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ी है और वो सॉफ्टवेयर सभी थानों में उपयोग में लाया गया। कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट की रिक्वायरमेंट में कंप्यूटर सेवी कांस्टेबलों को अग्रता दी गई। सभी कांस्टेबल जो नौकरी में थे उनके ट्रेनिंग का एक बहुत विस्तृत कार्यक्रम चलाया गया और पूरे पुलिस बल को कंप्यूटर ऑनलाइन किया। उसके बाद में जेल और फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को भी, फॉरेंसिक साइंस लैब को भी इसके साथ जोड़ने का काम किया।